वो फूलों से जो किसान के जो औजार है और किसानी का जो सिंबल है उसको वो नमन करते हुए सभी को याद करें और अपने श्रद्धांजलि अर्पित करें। एक साल हुए जो सरकार के तीन काले कानून थे उनको सरकार को रद्द करना पड़ा। प्रधानमंत्री जी इन कानूनों को रद्द नहीं करना चाहते थे। प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि ये तीन कानून हिंदुस्तान के दो तीन सबसे बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाए और जो किसानों का है उनके खून पसीने जो उनका खून पसीने का मेहनत का धन है उसको किसानों से छीनने की कोशिश की थी। एक तरफ हिंदुस्तान की सरकार पुलिस देश की ब्यूरोक्रेसी, दूसरी तरफ हिंदुस्तान के गरीब किसान। किसानों के पास हथियार नहीं थे, पुलिस के पास सरकार के पास हथियार थे, किसानों के पास सिर्फ उनकी आवाज थी। वो किसानों की आवाज नहीं है, क्योंकि जब किसान कुछ बोलता है तो वो देश की आवाज होती है, सिर्फ किसान की आवाज नहीं होती है। और जब देश के किसान देश की आवाज ने अपना मन बना लिया तो प्रधानमंत्री को कानून वापस लेने पड़े। दुख की बात है कि 733 किसान शहीद हुए, 733 परिवारों ने अपने पिता, अपने भाई, अपनी मां को खोया। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अगर प्रधानमंत्री किसानों की आवाज सुन लेते एक किसान शहीद नहीं होता। आज हम दुख में खड़े हैं, उनकी याद में खड़े हैं, मगर हमें खुशी भी है क्योंकि किसानों की आवाज ने न्याय की लड़ाई लड़ी और जीती। मैं चाहूंगा कि उन किसानों की याद में हम 2 मिनट मौन रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये संयोजन का हिस्सा नहीं है। जिस बदमाश ने इतनी गर्दी नीच हरकत की है उसको तत्काल सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई की जाए। पुलिस इसको जल्दी से जल्दी हिरासत में लेते हुए इस पर सख्त कार्रवाई करे। ये किस राजनीति का हिस्सा हो रहा है इस पर मैं खेद व्यक्त करता हूं और चाहता हो इंदिरा
के बाद विद्या विनायक देशमुख नाम की एक महिला ने अपने घर इंदिरा जी की याद में एक दिया जलाया। उस दिए को वो आज भी जला के रखा है। इतनी लंबी शहादत के बाद भी उस दिए को उन्होंने बुझने नहीं दिया, खत्म होने नहीं दिया। और ये आज इतने लंबे समय के बाद इंदिरा जी के जन्मदिन पर उनकी जयंती पर इंदिरा जी के पोते से जब उनकी मुलाकात हुई और इस चीज के बारे में राहुल जी को जब तो अपने पास बैठाया और इस अनोखी जो दास्ता है उस अनोखी जो चीज है उस चीज को यहां पर संज्ञान में लिया। मैं सभी को नीचे बैठने की विनम्र यहां विनती करता हूं। संयम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पुलिस से फिर से एक बार कहता हूं कि यहां पर आप लोगों को बैठने के लिए मना कर रहे थे, यहां आने के लिए आप आने नहीं दे रहे थे, उसी वक्त आप ध्यान देते क्योंकि पीछे इंक्लोजर में कोई काला ना आए ये ना आए, आप तब से काफी उल्टी पुल्टी बातें कहते हुए जब तक ये बंद नहीं होगा हम मोड़ने के मी तीव्र शब्दामध्ये या घटनेचा आणि या गोष्टीचा निषेध करतो की एकीकडे आपण श्रद्धांजली सभा अर्पित करतोय, एक प्राणाची ज्योत या ठिकाणी लावली की त्यांची आठवण यावी। इथे शेतकऱ्यांचे सर्व अवजार आपण लावलेले आहे, मागे या बलिदान दिलेल्या शेतकऱ्यांचे फोटो लावले आहेत आणि हे नीच बदमाश या अशा प्रकारचे दुष्कृत्य करत आहेत। काल राहुलजींच्या जाहीर सभेमध्ये काळे झेंडे दाखवण्याचा प्रयत्न केला तो आपण यशस्वी होऊ दिला नाही आपल्या संख्येमुळे। आज हे पाठीत खंजीर खुपसणारी अवलाद बघा ही काय करत आहे, याचा मी भ्याड या हल्ल्याचा या ठिकाणी निषेध करतो। आणि निषेध करत असताना एकीकडे शेतकरी मरतोय, एकीकडे आपण ज्यांनी प्राण या देशासाठी दिलेले आहेत, 3 कायद्यासाठी दिले, त्यांच्या बलिदानाला आपण श्रद्धांजली अर्पित करतोय। वृद्ध सेवा मंडळाची मंडळी बसली आहे, गुरुजी बसले, सत्यपाल महाराज बसले, राहुलजी साक्षात आले आहेत। आज त्यांच्या आजीची जयंती आहे, जयंतीचा आनंद आणि उत्सव साजरा करण्याकरता आले नाही तर माझे शेतकरी वारले। हजाराच्या दरम्यान ज्यांची नोंद 733 आहे ते शेतकरी मृत्युमुखी पडले। आज मला त्यांना श्रद्धांजली अर्पित करायची आहे आणि ती श्रद्धांजली अर्पित करण्याकरता हा भला माणूस इथे येतो। आणि भाषण करत असताना काळ्या आपण काळ्या कायद्याचा निषेध करत असताना हा काळ्या कायद्याचा समर्थनाचा जो घाट लावलाय या घाट आपण सर्वांनी लक्षात घेतला पाहिजे, ध्यानात घेतला पाहिजे। ही मी विनम्र स्वरूपाची आपल्या निदर्शनाचा राजकीय नाही, मी या पटलावर असताना राजकीय बोलू शकत नाही, मात्र ही वस्तुस्थिती सविनय आपल्या सगळ्यांच्या समक्ष या ठिकाणी मांडली आहे। आणि आता याचा निषेध आपण सर्वांनी एक मुखाने केला पाहिजे आणि तो निषेध जो आहे तो आपण आपल्या शहीदाच्या हुतात्म्यातून केला पाहिजे एवढंच या निमित्तानं सांगतो। आणि मौन श्रद्धांजली करता आपण सर्वांनी उभं राहावं।